गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर मोनिका यादव और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये टॉपिक आपका सेमेस्टर फिफ्थ के सिलेबस से लिया गया है। ऑल्दो आपको पता होगा कि सेमेस्टर फिफ्थ की सीरीज चल रही है जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उन्हीं टॉपिक में से एक, जिसका नाम है व्हाट इज कंजर्वेशन एंड व्हाई इट इज नीड टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, तो बायोडायवर्सिटी का सिंपल मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका एक एरिया है, वहाँ पर अगर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो वहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट हो, चाहे वो वहाँ पर एनिमल्स प्रेजेंट हो या माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है। तो ये अर्थ पे, ये बायोस्फीयर पे अगर हम देखें, तो एक छोटी सी चींटी को आप देखो और एक बड़े से हाथी को देखो, तो उनके बीच में कितना वेरिएशन है। डिफरेंट डिफरेंट इन जो आपके ऑर्गेनिज्म्स हैं हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है और यही मिलके क्या बना रहे हैं, बायोडायवर्सिटी बना रहे हैं। अगर हम इस बायोडायवर्सिटी के वर्ड पर जाएं कि इसका मतलब क्या है, तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है आपका बायो और दूसरा है डायवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज है जिनके अंदर जान होती है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है सिंपली वेरिएशन, उनके अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं। तो आपको पता है कि हमारे इस पूरी अर्थ पे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जाती हैं, और इनकी मॉर्फोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी अलग है, इनके बीच में बहुत सी भिन्नताएँ मिलती हैं। यही सारी चीज़ें मिलकर एक बायोडायवर्सिटी को क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन क्या होता है, तो कंजर्वेशन का अगर हम मतलब जाने, तो कंजर्वेशन का सिंपल मतलब होता है प्रोटेक्शन। लेकिन किसको प्रोटेक्शन देना है? प्रोटेक्शन देना है हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। तो कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, तो एक कहानी की तरह समझिए आप लोग कि मान लीजिए आप क्या है, आज आप एक क्लास में बैठे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक लेट मी इरेज इट। मान लीजिए ये एक आपका क्लासरूम है, इस क्लासरूम में आज आप बैठे हो और आपकी क्लास चल रही है, बॉटनी की क्लास चल रही है, और यहाँ पर आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा, कुछ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी से और इकोलॉजी की दोनों ही वैल्यू को लेकर। अब आपने आज ये पढ़ा, सपोज आज की डेट में आपने ये पढ़ा है, आज 21 डेट है 11/2022, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी। कुछ साल के बाद मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आई या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ भी रीजन की वजह से ये जो आपने आज इम्पोर्टेंट प्लांट्स पढ़े हैं ये 10 साल के बाद आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? या तो ये एक्सटेंट हो गए हैं, नेचर में एलिमिनेट हो गए, या कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वैक आ गया, कुछ भी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से ये प्लांट की स्पीशीज वहाँ से मिट गई हैं। इस रीजन की वजह से क्या करना होता है कि जो हम इम्पोर्टेंट प्लांट की स्पीशीज पढ़ रहे हैं, जो खतरे में हैं, वो आगे जाके उनका वजूद बना रहे, इस वजह से उनका कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैंने प्लांट्स का एग्जांपल दिया है, आप ये हर चीज़ में फॉलो कर सकते हो, चाहे कुछ एनिमल्स की बात कर लो, चाहे आप बैक्टीरिया की बात कर लो। तो किसी तरीके का उसको प्रोटेक्शन देना, उसको अच्छे से उसकी केयर करके रखना, ताकि वो फ्यूचर स्टडीज़ के लिए आपके पास बना रहे, उसी को हम यहाँ पर कंजर्वेशन का नाम दे रहे हैं। तो कंजर्वेशन सिंपली मीन्स प्रोटेक्शन। कहाँ का प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ अवर एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही बायोडायवर्सिटी प्रेजेंट है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज कंजर्वेशन, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, कंजर्वेशन इज अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। किसी एक एक्टिविटी से, या किसी, अगर हम सोचे कि हाँ मैंने इस पेड़ को यहाँ से उठाया, अपने घर में इसको संभाल के रख लिया, डेट इज नॉट कंजर्वेशन। वो कुछ एक ही एक्टिविटी से आपका कंजर्वेशन डिफाइन नहीं होगा। कंजर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो, आप लोगों को जाके समझा सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, स्कूल्स में जाके बच्चों को बता सकते हो, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हो कि हमारा इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है उसको कंजर्व करके रखना। लेकिन सभी कंजर्वेशन का एम एक ही होगा कि हम अपने प्लांट्स को बचा पाएं। यहाँ पर हम बॉटनी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या है, हमारा क्या वो है, एम मोटिव है कि जो भी प्लांट्स हैं जो आज हमें मिल रहे हैं और मान लो वो खतरे में हैं, तो उनको हम बचा सकें, उनको हम एक्सटेंड ना होने दें। अब डायनासोर को ही देख लीजिए आप, हम लोग सब लोग एक इमेजिनरी फॉर्म में बात करते हैं कि डायनासोर्स थे, बट किसी ने उसको रियल में नहीं देखा है कि वो दिखते कैसे थे, उनकी स्पीशीज कैसी थी, चलते कैसे थे, खाते कैसे थे, बस हम लोग
बुक्स में पढ़ते हैं, मूवीज में देखते हैं कि डायनासोर का एज एंड एरा था, तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए ना। अब हमारी जो जनरेशन है वो उसको नहीं देख पा रही है। यही बात आती है कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम प्रिवेंट करें एक्सटिंक्ट होने से, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी उनके ऊपर स्टडी कर पाए। अगर हम बात करें इस कंजर्वेशन में, तो डायरेक्ट कंजर्वेशन आप कर सकते हो कोई भी वाइल्ड पॉपुलेशन का, मतलब एनिमल्स और प्लांट का, या फिर आप प्लांट्स को कलेक्ट करके अच्छे से उनको रख सकते हो। आप एजुकेशन प्रोग्राम चला सकते हो, जा जाकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में लोगों को गाइड कर सकते हो कि कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप इन्वेसिव स्पीशीज का कंट्रोल कर सकते हो। इन्वेसिव स्पीशीज आपकी क्या होती हैं, वो स्पीशीज होती हैं जो डोमिनेंट तरीके से कहीं पर फैल जाती हैं और वहाँ की जो नेचुरल स्पीशीज है उसको इलिमिनेट कर देती हैं। एक एग्जाम्पल की तरह समझिए, मान लीजिए ये पॉन्ड था, इस पॉन्ड में पानी भरा हुआ था। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका आ गया वाटर हाइसिंथ, जिसे हम इकॉर्निया कहते हैं। इकॉर्निया ने यहाँ पर अपनी ग्रोथ कर ली, और आपने पता है नाखूनी जब यहाँ पर ग्रोथ कर रही होती है इकॉर्निया, तो यहाँ का जो रीजन होता है, यहाँ पर जो पहले से प्लांट्स प्रेजेंट है उसको वो डिस्ट्रॉय करती जाती है, क्योंकि इकॉर्निया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है। ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है, बाहर से आई है, बट इसने क्या किया, इसने कब्जा कर लिया पूरे पॉन्ड पर, और यहाँ पर जो पहले से स्पीशीज प्रेजेंट थी उन सबकी डेथ कर दी, सबको किल कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ इकॉर्निया आपको मिलेगा, यहाँ पर अदर स्पीशीज आपको नहीं मिलेंगी, हेंस वेरिएशन जो है आपको वो इस पॉन्ड में नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम किसी इन्वेसिव स्पीशीज को वहां पर डोमिनेंट ना होने दे, उसको कंट्रोल करके रखें। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, जो भी वहां पर अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है या कोई पॉन्ड है या कोई ऐसा चीज प्लेस है जिसमें रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, तो उसकी रिकवरी कर लें, क्योंकि धरोहर से ही हमारी संस्कृति का पता लगता है। रिसर्च प्रोग्राम चलाएं और ट्रेनिंग दें हम लोगों को, बच्चों को, कि वो भी इस चीज को आए और उसको फॉलो करें। अब बात आती है जो कंजर्वेशन है, ये कंजर्वेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। कंजर्वेशन को ब्रॉडली दो टाइप्स में बांटा गया है, एक है आपका इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। इस इन सीटू कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ऑन साइट वर्ड, और एक्स सीटू कंजर्वेशन को हम कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इन सीटू ऑन साइट, एक्स सीटू ऑफ साइट। एक और शब्द आपको मिलेगा इन सीटू की जगह, इन वीवो कंजर्वेशन, ठीक है, इन वीवो कंजर्वेशन मिल सकता है, और एक्स सीटू की जगह आपको मिल सकता है इन विट्रो कंजर्वेशन। तो क्या होता है ये दोनों चीज, फिर से हम लोग डायग्राम से समझते हैं। इन विट्रो और इन वीवो, मतलब एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक एरिया था, इस एरिया में यहाँ पर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, यहाँ पर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। पीपल आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है फाइकस। ये फाइकस का पेड़ लगा हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको पता है रिलीजियस वैल्यू रखता है, साथ ही साथ बहुत से ऑर्गेनाइम्स का ये घर होता है, शेल्टर होम होता है। इसके ऊपर बर्ड्स भी मिलती हैं, इंसेक्ट्स भी मिलती हैं, मतलब पूरा डाइवर्सिटी इस पेड़ के ऊपर ही आपको मिल रही है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड ये सब मिल रहा है। लेकिन आपने देखा कि किसी वजह से ये फाइकस का पेड़, मान लीजिए, यहाँ पर ख़राब होने लगा या सूखने लगा है। तो अब क्या ये पॉसिबल है, आप सोचो कि इस फाइकस के पेड़ को आप पूरा यहाँ से जड़ से उखाड़ो, अपनी लैब में ले जाओ जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर इसको रखो और इसकी देखभाल करो। सोच के देखो, मतलब ये इम्पॉसिबल। आप इतना बड़ा फाइकस पीपल का पेड़ है, आप उसे जड़ से निकाल के कैसे ले जा सकते हो। पहली बात तो वो लैब में आएगा नहीं, दूसरी बात इतना मेच्योर पेड़ कैसे वापस से ग्रो करेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आप इसे उठाकर अपनी लैब में नहीं ला सकते हो। आप एक और काम कर सकते हो कि जहां पर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी एरिया को आप प्रोटेक्शन दे दो। जहां पर इसका अपना घर था, आप इसको अपने घर में नहीं ला पाए, इसके खुद ही घर में इसको क्या किया, आपने प्रोटेक्शन दे दिया। तो इस टाइप के कंजर्वेशन को हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइम्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन मिले, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट मतलब उसका जो ओरिजिनल होम है, जहां वो रह रहा है, उसी ओरिजिनल होम में आप उसको प्रोटेक्शन दो, उसको कंजर्वेशन दो, तो इस टाइप के कंजर्वेशन को हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मान लीजिए बहुत सी ऐसी स्पीशीज होती हैं, छोटे छोटे यहाँ पर एरिया थे, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स थे जो कि डेंजर थे, इनडेंजर के, इनके ऊपर खतरा था, डेंजर था इनके ऊपर। तो अब आप क्या करोगे, इन प्लांटलेट्स को यहाँ से लोगे और अपनी लैब में इसको
कल्चर करके लैब में यहाँ पर आप इसको ग्रो करोगे, यहाँ पर आप प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर इसको वाटर अच्छे से प्रोवाइड करोगे यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारी चीज़ें आप दे रहे हो। आपने एक तरीके से ये जो इसका घर था, इसके घर की जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल कंडीशंस बना दी हैं, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है इसको प्रोटेक्शन देने में। लेकिन बस क्या है कि आप इसे अपने घर ला के प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो इस टाइप के कंजर्वेशन को हम कहते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन या इन विट्रो कंजर्वेशन। जब आप इसको इसके ओरिजिनल प्लेस से निकाल लो और अपने घर में लाके इसको कंजर्व करो, तो डैट इज एक्सीटू कंजर्वेशन और इनसाइट ऑन साइट ऑफ साइट कंजर्वेशन। सो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, यहीं से डिफरेंस चला आता है। ये मेथड में क्या होता है, जो भी खतरे वाली स्पीशीज है उसको हम उसी के घर में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो वो इनसीटू कंजर्वेशन कहलाता है। वहीं पर क्या होता है कि जिसके पर खतरा है, चाहे वो एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, उनको हम स्पेशल केयर तो देते हैं, लेकिन ये स्पेशल केयर हम अपने घर में ला के देते हैं, अपनी लैब में, अपनी फील्ड में हम इसको देते हैं। तो इस टाइप के कंजर्वेशन को हम एक्सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये एक बात था, मैंने जनरल आपको बताया कि कंजर्वेशन क्या है, उसके बाद मैंने कंजर्वेशन के टाइप्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंजर्वेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें चली आती हैं, इसका एक्सीटू का क्या एग्जाम्पल है और इनसीटू का क्या एग्जाम्पल है। अगर आपको बेसिक चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।